वेलकम टू माई चैनल माई लाइफ स्टाइल माई वर्ल्ड। आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ वो ऑर्गेनाइजर्स का है। मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि मेरा घर बहुत छोटा सा है, तो उस छोटे से घर को ऑर्गेनाइज रखने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी मैंने पहले बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स मंगाए थे लेकिन मैं उनका वीडियो शूट नहीं कर पाई, तो इसमें मैंने डिसाइड किया कि वाई नॉट टू शेयर दिस वीडियो थ्रू। मैंने लाइव वीडियो किया था तो मैंने कहा था मैं ऐसे वीडियोस भी लेकर आऊँगी जो रेंटल अपार्टमेंट से रिलेटेड, मतलब जिनके इम्प्रूवमेंट के लिए यू कैन डू समथिंग। सो दीज ऑर्गेनाइजर्स आर रियली रियली प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट। सो वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो टू द वीडियो। सो फर्स्ट इज दिस वन, आई रिसीव अ रियली रियली बिग पैकेजिंग, दिस वन इट्स अ 5-tier प्रोडक्ट। ये जॉयफुल स्टूडियो का है, पैकिंग बहुत अच्छी लगी मुझे। सो आई ऑर्डर दिस वन, ये है 5 का सेट। इसमें 5 कलर्स मिल जाते हैं, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल शेड्स, पेस्टल शेड एंड डार्क शेड्स का कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर लग रहा है मुझे। कलर सारे, फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है इसकी। ये ड्रॉअर के फ्रंट पोर्शन रहेगा, इसको ड्रैग करने के लिए आप इसे आराम से ड्रैग कर सकते हैं अपने अपने जब उसको बस सेटअप कर दिया होगा उसके बाद। तो ये है वो, इसके अटैचमेंट्स आ जाते हैं ये, इन्होंने अलग अलग सेग्रीगेट करके दिया है कि हर किसी में इसके 4 जो लेग्स लगेंगे उसके लिए उन्होंने सेग्रीगेट करके 5 का दिया हुआ है। इसके अलावा ये 4 शायद ये पेस के लिए होंगे, ये ट्रेज हैं जिनके साथ ये सेट करेंगे। सो ये भी दीज आर 5 नंबर्स। इसमें छोटे भी अवेलेबल थे, 4 और 3 के भी अवेलेबल थे, 6 का भी अवेलेबल था। सो आई ऑर्डर 5 का क्योंकि साइज अप्रोप्रिएट रहेगा। मुझे लगता है कि दिस ऑर्गेनाइजर विल बी वेरी यूजफुल टू मी। दिस इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट प्रोडक्ट। अब हम चलते हैं अपने सेकंड प्रोडक्ट की तरफ। दिस इज बेसिकली फॉर द सिंक पर्पस, किचन में थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करने के लिए और थोड़ा ऑर्गेनाइज दिखने के लिए, थोड़ा हाई एंड दिखाने के लिए। सो I ordered this one. इसे मेरी सारी चीज़ें जो भी वो वॉश करने का सामान चाहिए होता है, आपको हैंड वॉश चाहिए या फिर उसके साथ सोप रखना है, डिश वॉशर चाहिए और आपके जितनी भी चीज़ें हैं वो सब इसके अंदर ऑर्गेनाइज हो जाती है। ये जो आप देख रहे हैं ये मेन बॉडी रहेगी, इसमें होल्स दिए हुए हैं, इस होल से पानी अच्छी तरीके से इसमें से पास हो जाएगा और अगर आप कोई प्रोडक्ट रखते हो तो जल्दी ड्राई होगा, एटलीस्ट वेस्ट नहीं होगा। इसके अलावा इसको पार्टीशन में डिवाइड किया हुआ है तो इसमें आप अपना डिश वॉशर जो भी आपका सोप रहेगा वो इसमें रख सकते हो, डिस्पेंसर वाला, या फिर आपका हैंड वॉश रख सकते हैं, बाकी चीज़ें इधर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फिर ये आगे दिया हुआ है एक अटैचमेंट, ये इसका बेस रहेगा, इसको इस तरीके से अटैच करके ऐसे रखेंगे और आप अपना आराम से बर्तन साफ करने का जो भी सामान है वो यहाँ पर रख सकते हैं और यहाँ पर भी इसमें होल्स दिए हुए हैं तो वो भी आराम से ड्राई हो सकता है। तो हाइजीन पर्पज से भी आई थिंक दिस इज द वेरी गुड प्रोडक्ट बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। मुझे ये सबसे अच्छा लगा क्योंकि ये मुझे लगा हाइजीन पर्पज से इज रियली रियली गुड। सो दिस इज गोइंग टू बी माई सेकेंड प्रोडक्ट और इसका डिस्क्रिप्शन भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगी और इसके अलावा इसकी डिटेल्स मैं आपको ऊपर मेंशन कर दूंगी कि इसके प्राइस क्या है और इसका नाम क्या है। सो दैट वाज माय सेकंड प्रोडक्ट। थर्ड प्रोडक्ट विल बी दिस वन, ये स्टिकॉन्स हैं, ये झाड़ू पोछे के लिए, मॉप वगैरह के लिए। प्रोडक्ट पे बहुत डाउट था तो मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ देखे, रिव्यूज़ में देखा रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे कि ये इसका स्टिकर अच्छी तरीके से चिपका रहता है और स्टर्डी है। अभी मैं यूज़ करूँगी तभी मैं आई कैन टेल यू कि इसका एक्चुअली इसका कितना अच्छा रहेगा काम करने में, ये कितना लंबे समय चलता है। और इसके बाद इस पर ये दिया है अटैचमेंट तो जिसमें हम इसको इस तरीके से फिक्स कर देंगे। ये 2 कलर्स में हम मुझको दिया गया है, ये कलर बहुत ही लाइट है, थोड़े दिन में ये थोड़ा सा पुराना लगने लगेगा तो मुझे कलर पसंद नहीं आया। इट इज़ वेरी वेरी लाइट ग्रीन एंड दिस वन इज बेटर, दिस इज वॉटर ब्लू, डार्क वाटर ब्लू कलर। और इसके साथ आपको ये 2 अटैचमेंट्स मिल जाती है यहाँ लगाने के लिए। ये 2 का सेट है, 209 समथिंग का आया था तो इसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको मैंशन कर दूँगी और
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसका लिंक देख लीजिए, तो वहाँ से अगर आप चाहें तो परचेस कर सकते हैं। इसके बाद मैंने मंगाया है ये बॉटल क्लीन करने वाला ब्रश। ये जो बाकी सारे प्रोडक्ट्स थे ये सब उनके कार्टन्स में पैक होकर आए थे, सो अच्छी पैकेजिंग थी सबकी। इसकी तो नॉर्मल पैकिंग थी, बट इसका कुछ ये खराब नहीं हुआ है ब्रश। पहले मेरे पास जो पुराना ब्रश था ना उसमें आ गया फोम लगा हुआ था, वो तो 4 दिन में टूट कर खराब हो जाता है। सो आई ऑर्डर्ड दिस सिलिकॉन ब्रश, मुझे लगता है ये स्टर्डी रहेगा, आराम से अच्छा क्लीन करेगा, बेस में भी छोटा है थोड़ा। मुझे लगता है इसका स्टिक थोड़ा सा और लंबा होता तो दैट वुड हैव बीन बेटर, थोड़ा सा लंबा, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर साफ करना भी मुश्किल होता। तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू मी प्रोडक्ट इज गुड, थोड़ा सा अगर लंबी स्टिक दे देते तो बहुत अच्छा रहता। दिस वॉज दिस गुड प्रोडक्ट। फिफ्थ वन इज दिस ऑर्गेनाइजर। सो ये बास्केट्स ऑर्डर किए हैं, 3 डिफरेंट कलर्स में है। इसमें से एक बास्केट का तो मतलब ये सर्फेस ही रफ, ये गंदा सा हो रहा है, बाकी ठीक है। 315 रुपीज़ की है। 2 प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे, एक जैसे एक का 342 प्राइस था, एक का 315 प्राइस था। आई ऑर्डर 315 वाला क्योंकि मुझे प्रोडक्ट ऑलमोस्ट एक जैसे लग रहे थे और रिव्यूज़ भी सिमिलर थे। तो ये बहुत ही फ्लैक्सीबल प्लास्टिक का है, कलर वाइब्रेंट है। ये मैंने अपने बाथरूम को ऑर्गेनाइज करने के लिए मंगाया है। सो इसमें अच्छे से काफ़ी सारा स्पेस मिल जाता है, आप काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स इसके अंदर लगा सकते हैं। लेट्स सपोज आपको अपना शैम्पू, कंडीशनर और डिटर्जेंट, उसके अलावा बहुत सारी लाइजॉल, हार्पिक, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ईजी वगैरह, वो सब लगाने के लिए आप आराम से लगा सकते हैं। अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी इसके अंदर आप रख सकते हैं, आपकी क्रीम्स, बॉडी लोशंस और ये सारी चीज़ें, और कोम वगैरह भी अगर आप चाहें तो ऑर्गेनाइज करके इसमें लगा सकते हैं। काफ़ी स्पेस मिल जाता है कि आप जिसमें होल्डर्स के साथ भी यू कैन प्लेस इट। तो ये हैंडल्स दिए हुए हैं दोनों साइड से, तो कोई ये साइड नहीं है कि आप इस तरफ से रखो या उस तरफ से रखो, एनी साइड कैन वर्क। तो इस तरीके से दिया हुआ है, क्लीन हो जाएगा, मैट फिनिश में है, ग्लॉसी फिनिश में नहीं है। एंड आई लाइक मैट फिनिश, तो मुझे लग रहा है ये अच्छा है प्रोडक्ट, देखने में तो अच्छा है। सॉफ्ट प्लास्टिक कितने दिन चलता है और गर्मी सर्दी और सारे वेदर्स का कितना इफेक्ट होगा, आई कैन सी दिस, बट ओवरऑल कलर वाइज, लुक वाइज एंड स्पेस वाइज आई लाइक दिस प्रोडक्ट अलॉट। सो दीज वर माई 5 प्रोडक्ट्स दैट आई ऑर्डर फ्रॉम Amazon फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माई हाउस। सो आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नया कंटेंट क्रिएट करने के लिए मोटिवेट करते रहेंगे आप मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और प्लीज़ डू शेयर, अगर आपको लगता है कि ये शेयर करना चाहिए आपको वीडियो, किसी को इस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उसे शेयर कीजिए, एंड डू लाइक इट इफ यू लाइक इट। और कमेंट सेक्शन में लिखिए अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है या आपको कुछ और देखना है। आप लोगों के साथ की मुझे बहुत ज़रूरत है, और जितना आप देखेंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे अच्छा काम करने के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोज़ और कंटेंट लेके आने के लिए। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।